हेलो दोस्तों, आज है 6 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। दोस्तों एक बार फिर से मैं हूँ डीएसबी कॉलेज वाली रोड में। ये मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, बिल्कुल पास में ही डीएसबी कॉलेज का गेट है। तो आज जो दोस्तों नैनीताल का मौसम की अगर बात करेंगे, नैनीताल का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बढ़िया सी धूप आ रही है, चेहरे पर मेरे पड़ रही है। पीछे बैक में भी देख रहे होंगे सब कुछ चमक रहा है, बिल्कुल नीला सा आसमान दिखाई दे रहा है। चलिए बैक कैमरे में लेके चलता हूँ और आज दिन भर में क्या क्या नैनीताल में हो रहा है वो दिखाता हूँ। ये है रोड और यहाँ से देखिए दोस्तों ये व्यू आता है नैनीताल का, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सामने आप झील में देखेंगे बोट्स, बहुत ही सुंदर लग रही है, छोटी छोटी सी और बड़ी प्यारी बोट्स लग रही है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। आज जो है गुरुवार का दिन है तो टूरिस्ट की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दो तीन दिनों में बहुत ज़्यादा रस होने वाला है नैनीताल में। अभी उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। 8 से 10 जो है छुट्टियाँ हैं, तो उसके बारे में अभी बताऊँगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए इतना सुंदर है, अभी थोड़ी देर में नीचे लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों कॉलेज से निकल के देखिए मैं तलीताल वाली तरफ आ गया और यहाँ से देखिए तलीताल कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए एक अलग ही व्यू है, मौसम खुला हुआ है तो और भी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर पौधे पेड़ पौधे देखेंगे तो और भी बढ़िया लग रहा है। देखिए कितनी सुंदर हरियाली है, एकदम तलीताल का ये बिल्कुल अलग ही दृश्य है। पहली बार मैं अभी इतना क्लीन और इतना बढ़िया सा देख रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने। इसमें दोस्तों नीचे उतर के ये मैं आ गया तलीताल वाले एरिया में, तलीताल डाट इसे बोलते हैं। तो देख सकते हैं इस तरफ ये सामने जो दिख रहा है तलीताल बाज़ार को रास्ता जा रहा है, ये हल्द्वानी की तरफ जा रहा है और ये जो है भवाली की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सेंट जॉन्स बिशप सॉ स्कूल, माफ़ कीजिए, है, बड़ा ही पुराना ऐतिहासिक। तो यहाँ से देखिए इस तरफ झील के दर्शन होते हैं और लोग जो है झील को निहारने और यहाँ पर आराम करने के लिए आते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इस तरफ। देखिए दोस्तों किनारे पे मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, हालांकि इतनी सफाई मुझे नहीं दिखाई दे रही है, किनारे की तरफ अभी भी गंदगी है यहाँ पर। और देखिए ये जगह जो है जहाँ से झील की गहराई नापी जाती है, ये देखिए यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है करीब 5.5 फीट, ये 12 फीट इसकी गहराई होती है। और 12 फीट मतलब गहराई का मतलब ये है कि 12 फीट जो है 0 पॉइंट माना जाता है। उसके बाद जो ये माना जाता है कि नैनीताल में पानी जो है कम हो गया है, तो अभी जो है यहाँ पर 5.5 फीट कम हुआ है, तो 6.5 फीट अभी रह गया है ये। तो 6.5 फीट देखते हैं कब तक चलता है, अभी वैसे चल जाना चाहिए 1-1.5 महीने तक तो आराम से बिना बारिश के भी। तो चलिए आगे लेके चलूँ आपको नैनीताल की तरफ। दोस्तों तलीताल में ये जगह पहचान लीजिए, यहाँ पर आपको टैक्सी बाइक मिल जाएगी किराए में, आप बैठ के भी जा सकते हैं, किराए में लेके भी जा सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं तलीताल में। तो दोस्तों ये देखिए अलका होटल के पास में आ गया हूँ मॉल रोड में, और यहाँ से देखिए नीचे जो है ये जगह देख सकते हैं, ये भी एक सुंदर सा पार्क है कैनेडी रोड से लगा हुआ। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है, बढ़िया धूप आ रही है, सामने वाली जो है सड़क कैनेडी रोड खिलाती है, पैदल चलने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं तलीताल तक। तो ये देखिए ये है कैनेडी रोड और इसमें जो है इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं एक्सरसाइज करने के, तो झील के बिल्कुल किनारे है। देखिए बहुत ही सुंदर ये लग रहा है और इस तरह से यहाँ पर आप लोग भी सुबह शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए इस तरफ आपको दिखाओ तो ये देखिए यहाँ पर भी बोट स्टैंड है और यहाँ पर भी बड़ा बढ़िया लग रहा है। आज सारे एयरटेल के मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये लग गए हैं ऐड, क्योंकि यहाँ पर इनका काम भी चल रहा है। ये देखिए हर जगह पर एयरटेल है, यानी कि एयरटेल को अधिकार दे दिए गए हैं यहाँ पर सारे नाव वालों ने, मेरे ख्याल से नगर पालिका ने दे दिए। तो ये देखिए सामने दोस्तों थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये पाषाण देवी मंदिर है और पाषाण देवी मंदिर नैनीताल का सबसे पहला मंदिर है, नैनीताल की बसावट से भी पहले ये मंदिर हुआ करता था नैनीताल में। तो दोस्तों 1 बजे का समय हुआ है और मैं पहुँच गया हूँ नैनीताल स्टेशन में, और काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था तलीताल से नैनीताल को, क्योंकि रोड बन रही है अभी मस्जिद अली साइड को। तो देखिए दोस्तों ये आ गया पंत पार्क में, तो आप देख रहे होंगे झंडे वगैरह लगे हुए हैं आज, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं आगे, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ उत्सव भी मनाया जा रहा है हनुमान जयंती का, चलिए दिखाएंगे आपको आगे। तो देखिए दोस्तों इस तरफ काफ़ी सुंदर झंडे वंडे लगे हुए हैं और इस तरफ अच्छा कुछ काम चल रहा है, ईंटें रखी हुई हैं, नहीं तो यहाँ से मुझे व्यू बड़ा सुंदर नज़र आता है। चलिए नीचे ही लेके चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये जो है बोर्ड स्टैंड है और ये सबसे बड़ा बोर्ड स्टैंड नैनीताल का है, और इस तरफ अगर आप लोगों को पता ही है कि टिकट आपने इस तरफ से लेना है, जो 420 रुपये पूरे घंटे का हो गया है और 320 रुपये आधे घंटे का हो गया है। और देखिए इस तरह से परिधानों में आप लोग तस्वीरें खिंचा सकते हैं। और ये देखिए इस तरफ झील जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, हरे नीले रंग की, और वाकई में बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा है दोस्तों देखिए। और बहुत सारी नाव झील में है, आज इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत सारी नावें जो हमें इस तरफ खड़ी हुई दिख रही हैं। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आगे। तो चल रहा है उत्सव दोस्तों, और यहाँ पर सामने क्रिकेट मैच भी चल रहा है, इसी के बीच में है, सामने जामा मस्जिद दिखाई दे रही है और नगर पालिका दिखाई दे रही है। इस तरह से कुछ आप उत्सव का जोश है।
तो देखिए इस तरफ आज खूब सारे झंडे लगे हुए हैं मंदिर की तरफ को, तो आपको लेके चलता हूँ दोस्तों बोटिया मार्केट। उससे पहले मैं आपको पार्किंग दिखा दूँ, तो पार्किंग ये रही देखिए जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने की तरफ। और जामा मस्जिद में ये माफ कीजिए पार्किंग में जो किराया है लगाने का 118 रुपये है और बाइक लगाने का 25 रुपये है। देखिए दोस्तों ये है गुरुद्वारा और इसके सामने ही यहाँ पर भोटिया मार्केट है। आज यहाँ पर को है दोस्तों भंडारा हो रहा है, जल्दी दिखाता हूँ मैं आपको। आज है भंडारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, तो चलिए दिखाता हूँ आपको और भोटिया मार्केट में किस किस से मुलाकात होती है वो भी सब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों इस तरह से भंडारा हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। अनमोल भाई भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये भी सेवा दे रहे हैं अनमोल यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ में, और यहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं। तो अनमोल निकल के आ गए हैं अभी भंडारे से बाहर, तो आपने देखा कि अनमोल किस तरह से सेवा कर रहे थे। अनमोल तो आज हनुमान जयंती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको कहते हैं बहुत बहुत बधाइयां दूंगा कि कहते हैं मिलजुल के कहते हैं हिस्सा लीजिए और कहते हैं प्रेम भाव से कहते हैं त्यौहार को बनाए, त्यौहार है से बनाए, कहते सब प्यार से बनाए। बहुत बढ़िया बात की अनमोल ने, तो देखिए पढ़े लिखे आदमी की यही बात होती है। तो अनमोल ने बोला कि प्रेम भाव से सब लोग मिलके हर त्यौहार को मनाए, और वाकई में होता भी है नैनीताल में, तो खैर ये परंपरा चली आ रही है कि सब लोग मिलजुल के ही त्यौहार को मनाते हैं अनमोल। और उसके अलावा जो आज हम देख रहे हैं कि नैनीताल में काफी टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, है ना, काफी गर्म है, तो आने वाले टूरिस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे कपड़ों के बारे में? देखिए आप तो देखिए टेम्परेचर का मौसम का कुछ भरोसा होता नहीं है, तो आप कहते गर्मी तो स्टार्ट हो गई सुबह शाम को भी ठीक था, आज मौसम के काफी अच्छा था, लेकिन सुबह शाम तो आप जैकेट चाहिए ही ना, सुबह शाम जैकेट की जरूरत होगी, हल्की जैकेट चाहिए। चलिए थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पर भंडारे के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये है नैनीताल का महादेव मंदिर और सामने आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, ये देखिए सामने। दोस्तों ये आ गया मैं ठंडी सड़क में, और ठंडी सड़क से आपको देखिए दोस्तों मैं लेके चलता हूँ इस तरफ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे उतर के आ गया हूँ, सामने एक यॉट दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। और इस तरफ जो व्यू है देखिए मंदिर का बड़ा ही सुंदर है, यहाँ से नैनीताल बड़ा ही खूबसूरत लगता है, यहाँ से चीना पिक की चोटी या नैना पिक की चोटी भी बिल्कुल बहुत सुंदर लगती है यहाँ से। तो दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ एंड, और जाने से पहले आपको जो मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 8, 9 और 10 को जो है नैनीताल में छुट्टियां हैं, और लगभग आधे से ज्यादा होटल्स जो हैं दोस्तों, होटल्स की जो आधे से ज्यादा बुकिंग है वो हो चुकी है। 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टियां हैं क्योंकि, तो आप लोग जो है बुकिंग करा के ही, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुकिंग करा के ही आए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मुश्किल हो सकती है क्योंकि छुट्टियां हैं, तो इसलिए होटल वगैरह बिल्कुल लगभग आधे से ज्यादा पैक हो चुके हैं। तो देख लीजिए, ध्यान आप दीजिए, बुकिंग करा लें जैसा भी आपको सही लगे। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता ही हूँ आज भी कहूँगा, कि आप लोग जो है कूड़े को कूड़ेदान में डालें, भले नैनीताल में हो या कहीं भी हो, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, उधर उधर ना फेंकें। चलिए इस वीडियो को एंड कर रहे हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।